हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस बेस। कंगना ने एक बार फिर निशाना साधा आलिया भट्ट पर। आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 100 करोड़ मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात शायद कंगना को पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर ये एलर्ट किया कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रिग किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं कि कंगना को आलिया से कोई प्रॉब्लम हुई है। कंगना मल्टीपल ओकेजंस पर आलिया को ट्रोल करती नजर आती हैं। कंगना अक्सर अपने सीनियर कोलीग्स के साथ पंगा लेती रहती हैं। बट नाउ शी हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द बॉक्स ऑफिस एज वेल। गंगूबाई काठियावाली हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल एट बॉक्स ऑफिस। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक ब्लाइंड आइटम शेयर किया। ब्लाइंड आइटम सेड दैट फिल्म वाज टाउटेड टू बी अ रेगिंग सक्सेस। बट द ट्रेड इनसाइडर सेज दैट वीकेंड कलेक्शन वाज पोर्ट्रेड टू बी डबल देन एक्चुअल फिगर्स। कंगना ने ब्लाइंड आइटम का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कि मेकर्स बॉक्स ऑफिस फिगर्स इलेज करने के लिए मजबूर थे। कंगना ने पोस्ट किया, अच्छा दूध में पानी तो सोना था लेकिन पानी में दूध, क्या मजबूरियां रही होंगी बेचारों की। गंगूबाई काठियावाली की रिलीज से पहले भी कंगना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर फिल्म और आलिया के खिलाफ काफी नेगेटिव कमेंट्स पास किए थे। कंगना ने फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर करते हुए लिखा था, This Friday, 200 crores will be burned to ashes at the box office for a Papa Ki Pari because Papa wants to prove that rom-com bimbo can act. Biggest drawback of the film is wrong casting. Bollywood is destined to doom jab tak movie mafia has power. Looks like Kangana ji thodi confused hai about what she actually feels.